Hello friends, subscribe to Jilla Hub and don't forget to click on the bell icon to never miss my video updates. Hi guys, welcome back. Today I am back with South Indian bridal sari, which is Kanjivaram. And what you need to do is, first of all, don't forget to put on your makeup, jewelry and heels, and just keep safety pins with you. So let's start. तो ये जो साड़ी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांजीवरम साड़ी है. जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी हैवी साड़ी है. और क्योंकि मुझसे सब लोग पूछते हैं कि मेरी साड़ीज़ की कॉस्ट पूछते हैं, तो मैं पहले बता दूं आपको कि इसका कॉस्ट जो है वो है 19,000 रुपीज़. और ये प्योर कांजीवरम है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव वाला नहीं, लेकिन हाँ 19,000 इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. तो चलिए कैसे पहनना है मैं बताती हूँ. जैसा आप देख रहे हैं कि साड़ी का सीधा और उल्टा साइड पता करना भी बहुत ज़रूरी है. देखिए, अगर फॉल लगा हो तो बहुत ईजी है, लेकिन नहीं तो आप आँचल और बैक साइड से आप पता कर सकते हैं. और आप देख लें कि किस साइड सीधा है, मतलब बॉर्डर्स देख करके. तो आप साइड से पहनना स्टार्ट करें और टक करना स्टार्ट करें अपने वेस्ट साइड से, और चारों साइड टक करके आप फिर से फ्रंट में आ जाएं. और आप प्लीज़ हील्स पहनना, मैंने पहले बताया कि हील्स पहनना बिल्कुल मत भूलिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर साड़ी पहनने के बाद आप हील्स पहने. फ्लोर तक टच होना चाहिए. जैसा आप देख रहे हैं कि मेरी साड़ी जो है वो फ्लोर तक, हील्स पहनने के बाद आपको पता चलना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो फ्लोर तक टच होना चाहिए. फ्लोर से हल्का सा हाफ इंच ऊपर भी रहे तो कोई बात नहीं. तो जैसा आप जानते हैं कि मैं किस तरीके से पहनती हूँ, सबसे पहले आप आँचल को बस टेम्प्ररी आप ड्रेप बनाएं और आँचल को साइड कर लें. ये सबसे इजी तरीका है साड़ी पहनने का. साइड करने के बाद आप बैक साइड से मिड पार्ट निकालें, देखिए किस तरीके से. और आप मिड पार्ट निकाल करके अपने वेस्ट में साइड में इसको प्रॉपरली टक कर ले. आपको कितना टमी दिखाना है या नहीं दिखाना है, कहाँ तक आपको रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ सेफ्टी पिन से सिक्योर कर ले, क्योंकि अगर सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं कीजिएगा तो वो बहुत फ्लफी दिखता है और आप बहुत हेल्दी दिखते हैं. अब हम ड्रेप बनाना स्टार्ट करते हैं. और ड्रेप आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थिन या थिक नहीं रख रही हूँ, मतलब बहुत चौड़ा या फिर बहुत पतला नहीं रख रही हूँ, बल्कि मैं मीडियम, वही फोर फिंगर लूजली रख रही हूँ. इसका ड्रेप बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी हैवी होता है और पिन अप करने में भी थोड़ी मुश्किल आती है. आप देख रहे हैं कि लास्ट जो ड्रेप था मेरा, सॉरी मैं बताना भूल गई, लास्ट ड्रेप जो था वो मैं हमेशा थोड़ा थिक रखती हूँ, ज़्यादा चौड़ा रखती हूँ, जिससे कि वो प्रॉपर शेप में आए और ज़रा भी फ्लफी ना दिखे. अब आप साइड से आप देखें, पहले सारी जो ड्रेप है उसको आप इक्वल करें, मतलब एक साइज़ में कई बार आप करते करते ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप इक्वल करके पहले रखें अच्छे से. आप नीचे भी आप देख लें कि वो प्लीट्स परफेक्ट है, यानी प्लीट्स बनाने, मतलब ड्रेप, सॉरी मैं ड्रेप यूज़ करी थी, प्लीट्स, प्लीज़ ड्रेप्स जहाँ भी मैंने बोला है उसको प्लीट्स समझिएगा. तो ये जो प्लीट्स बनाया हमने, प्लीट्स बनाने में आप ध्यान देंगे कि कितना थिक थिन बनेगा, और उसके बाद आप उसको इक्वल कर ले, प्लीट्स को इक्वल कर ले. और प्लीट्स इक्वल करने के बाद आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर ले प्लीट्स को, क्योंकि अगर पहले आप सिक्योर कर लीजिएगा तो वो खिसकेगा नहीं और वो बहुत प्रॉपरली आएगा, और फिर आप टक कर सकते हैं बहुत इजीली उसको. अब देखिए ये परफेक्ट ड्रेप हो गया है, मतलब परफेक्ट प्लीट हो गया है. पता नहीं मुझे आज क्या हो गया, ड्रेप क्यों बोल रही हूँ मैं. परफेक्ट प्लीट्स आने के बाद आप टक कर ले, और टक करके आप देखिए क्या चल. अब साइड में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है उसको हमें सबसे पहले जो है उसको पीछे अच्छे से टक करके, और पीछे के साइड दे दें कि थोड़ा बहुत अगर लूज़ भी है तो वो आगे सामने ना दिखे, इवन पीछे तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपका आँचल रहेगा वहाँ. तो अब आँचल को हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी साड़ी है और सिल्क है तो बहुत फिसलता भी है और हैवी भी बहुत होता है, तो आपको दिक्कत होती है. तो सबसे पहले आप देख लें कि आपके शोल्डर तक कहाँ आता है. तो चलिए इस तरीके से हम ड्रेप करेंगे, एक इक्वल शोल्डर का जो जहाँ पे हम पिनअप करते हैं उसको ले करके, कि ओके वहाँ से हम ड्रेप प्लीट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, शोल्डर तक यहाँ आता है.
मैं पहले आपको बता दूं कि आप इस तरीके से भी साड़ी को पहन सकते हैं। वैसे तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में सेम साड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि गुजराती एंड बंगाली बनारसी साड़ी, मतलब ये सो कॉल बनारसी सब मुझे एक ही जैसा लगता है, तो ब्राइडल साड़ी गुजराती एंड बंगाली ब्राइडल साड़ी आप कैसे पहनेंगे और इसको बॉलीवुड ब्राइडल साड़ी बना के कैसे पहन सकते हैं, मतलब बॉलीवुड की जो डिवाज हैं वो कैसे पहनती हैं। और जब प्लीट्स बन जाता है तो हम उसको प्रॉपरली, उससे पहले बहुत आपको परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब आप प्लीट्स टक कर लेंगे यहाँ पे, आप पिनअप कर लेंगे, उसके बाद आप उसको और परफेक्ट कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल आप इतना ज़रूर कर लें कि वो इक्वल रहे और बिल्कुल भी मिसमैच ना हो उसमें, मतलब ज़रा भी इधर उधर ना रहे। तो आप परफेक्ट जब प्लीट्स बन जाए आपका, तो आपको अपने शोल्डर पर रखना है, और शोल्डर पर रखने के बाद आप एक बार देख ले जो भी प्लीट्स ऊपर नीचे या फिर जो छोटे बड़े हो गए हैं, उसको कोशिश कीजिए कि वो इक्वल हो जाए अच्छे से। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, इसलिए मैं बार बार इसी तरीके से पहनती हूँ। और मैं जिस साड़ी में जिस तरीके से पहनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जो जो चीज़ों को देखना, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप प्लीट्स को देखेंगे और उसको परफेक्ट करके उसके बाद आप पिनअप करेंगे और वो सिक्योर कर देंगे। सो आप देखिए परफेक्टली ये प्लीट्स बन गया है, और कितना परफेक्ट ये साड़ी पहन दिया है मैंने बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में। ऐसे क्योंकि मुझे बताना था इसीलिए मुझे फिर भी इतना टाइम लगा, वरना मुझे इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ये परफेक्ट हाइट, परफेक्ट शेप, परफेक्ट सब कुछ दिख रहा है, और इस तरीके से आप अपनी शादी में इतना ही ब्यूटीफुली, या फिर दूसरे की शादी में अगर आपको हैवी साड़ी पहनना है तो आप इतनी ब्यूटीफुली आप साड़ी पहन सकते हैं। रिसेप्शन हो आपका, सबकी शादी होती है, आपकी भी होगी, सबकी होगी, तो आप इस तरीके से साड़ी पहन सकते हैं और बहुत 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 ब्यूटीफुल लग सकते हैं। तो इससे पहले कि आप सब कुछ पहने, आप मेकअप सब कुछ करके, इवन ज्वेलरी मेकअप ये कर लें, और हेयर आप बाद में भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में प्रेफर करती हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, आगे बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू।